Sometimes even the most simple of tasks is a struggle because हम चीजों को काफी deeply या काफी ज़्यादा focused होकर सोचने लग जाते हैं. For example, tying your shoelace or matching your socks with your outfit. So इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप कुछ general rules follow करके आप अपने socks को अपने outfit के साथ match कर सकते हैं. So without any further ado, let's jump into the video. So what's up everybody, this is Abhinav Sharma. How are you doing? Hope you're doing great and looking sexy as well. So without any further ado, let's get started. Chaliye baat karte hain rule number first ke bare mein. Ye hai wearing a white socks with formal wear. To ye ek aisi galti hai jo maine bhi kabhi kisi time mein ki thi aur definitely aapne bhi ki hogi ya fir aap kar rahe hain abhi bhi. To is galti ko na dohraye kyunki white socks physical activities karte waqt hi acche lagte hain ya fir short pant ke saath ही अच्छे लगते हैं. तो कोशिश कीजिए कि जब आप नेक्स्ट टाइम किसी भी फॉर्मल टायर को वेयर कर रहे हो तो व्हाइट सॉक्स को अवॉइड करें. क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी और इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले ही डिस्कस कर चुका है कि आप क्वालिटी को प्रेफर करें ओवर द क्वांटिटी, क्योंकि एक अच्छे से क्वालिटी पेयर ऑफ सॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करने से आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं और आप एक अच्छी लाइफ अपने सॉक्स को दे सकते हैं. दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सॉक्स परचेस कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि जो सॉक्स की लेंथ हो वो ओवर द काफ हो, जिसके कारण आपका सॉक्स एंकल पे फॉल नहीं होगा. एंड दैट इज रूल नंबर टू. अपने सॉक्स को अपने आउटफिट के साथ मैच करने के लिए आपको एक बेसिक रूल ऑफ थंब को फॉलो करना होगा. वो ये है कि जब भी आप अपने सॉक्स को अपने आउटफिट के साथ मैच करें तो ऑलवेज फॉलो योर ट्राउजर स्लैक और पैंट कलर. बहुत लोग गलती ये कर जाते हैं कि वो शू का कलर फॉलो कर जाते हैं और दैट इज अ ह्यूज फैशन मिस्टेक. आप सॉक्स के कलर को मैच करने के लिए आउटफिट के कुछ एलिमेंट को भी फॉलो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टाइज, पॉकेट स्क्वायर और बूटनियर, यहाँ के कुछ कलर्स को आप पिक करके आप अपने सॉक्स का कलर डिफाइन कर सकते हैं और इसके थ्रू आप सॉक्स को अपने आउटफिट के साथ मैच कर सकते हैं. एंड दैट इज रूल नंबर थ्री. चलिए बात करते हैं हमारे फाइनल लास्ट रूल के बारे में, रूल नंबर फोर. वो ये है कि जब भी आप बोल्ड कलर को प्रेफर कर रहे हैं, बोल्ड पैटर्न को प्रेफर करना चाह रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो आउटफिट है वो ऑन पॉइंट हो, नहीं तो आप जोकर जैसे नजर आएंगे. सो दैट्स व्हाट गाइस, आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, और बहुत अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, शायद उनकी भी हेल्प हो जाए. और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस माय एनी वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.